Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. And if you are watching me first time, then hi, my name is Jolly Dayal and welcome to my channel. So I just hope कि आप लोग सभी बहुत ज़्यादा अच्छे and बहुत 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 ज़्यादा safe होंगे. हम अपने face को scrub और exfoliate क्यों करते हैं? डर्ट, पॉल्यूशन एंड डेड स्किन सेल्स जो हमारे त्वचा पे जमा हो जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम अपने फेस को एक्सफोलिएट और स्क्रब करते हैं. ये तो हो गया कि हम क्यों करते हैं एक्सफोलिएट. अब आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि अपने फेस को स्क्रब करने के लिए और एक्सफोलिएट करने का भी एक तरीका होता है, एक राइट टेक्निक होता है. तो क्या है वो राइट टेक्निक? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही राइट टेक्निक जो है वो शेयर करने वाली हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट. सो अगर आपके बाल लंबे हैं तो एक्सफोलिएट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने बालों को पीछे अच्छे से टाई कर लेना है, क्योंकि जब हम अपने फेस को एक्सफोलिएट और स्क्रब करते हैं तो आपके थोड़े ना थोड़े बाल जो है आपके फेस पे आ ही जाते हैं. एंड ये आगे के जो छोटे छोटे बाल होते हैं उसके लिए या तो आप किसी भी हेयर क्लिप को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरीके से आप रबर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, दूसरा जो प्रोसेस है, हमें चाहिए होगा एक गर्म टॉवल, जिसके लिए हम इसको एक गर्म पानी में भिगोएंगे एंड उसके सारे पानी को निचोड़ेंगे. याद रखना है कि जो गर्म पानी हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए. एंड आपको इस तरीके के एक छोटे से टॉवल को लेना है एंड उसको उस गर्म पानी में डाल के उसके सारे पानी को निचोड़ लेना है. सो गाइज, अब हम इस गर्म टॉवल को अपने फेस पे 2 से 3 मिनट के लिए रखेंगे. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो पोर्स है वो अच्छे से ओपन हो जाए. जैसे ही आपके फेस का पोर्स जो है वो ओपन हो जाए, उसके बाद हमको क्या करना है, अपने फेस को क्लीन करना है. क्लीन किस चीज़ से करेंगे? फेस वॉश से क्लीन करेंगे. बट हमेशा याद रखना कि ऑलवेज़ माइल्ड क्लींज़र का ही आपको इस्तेमाल करना है अपने फेस को वॉश करने के लिए. मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हिमालय का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर फ्रेश स्टार्ट ऑयल क्लियर फेस वॉश. तो मैं अपने फेस को वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ. तो फेस को क्लीन कर लिया हमने. अब जो हमारा मेन पार्ट आता है प्रोसेस, वो है स्क्रबिंग का प्रोसेस. तो अगर आप पहली बार किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली उसको अपने फेस पे नहीं अप्लाई करना है, आपको एक पैच टेस्ट कर लेना है. ठीक है, पैच टेस्ट हमेशा हमारे चिन के एरिया पे होता है, यहाँ पे आपको एक पैच टेस्ट कर लेना है. मैं आज एक नया प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, विच इज़ कैफिन नेक्ट डिटॉक्स ग्रीन टी फेस स्क्रब. इसमें ग्रीन टी विथ विटामिन सी है, विच इज़ रियली 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 गुड फॉर आवर स्किन, स्पेशली इन समर एज वेल एज विंटर. एंड ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, बट फिर भी मैं इसका एक पैच टेस्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं इसको पहली बार यूज़ करने वाली हूँ. तो आपको भी जब भी आप किसी नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लो. अगर आपके फेस पे जहाँ पे हम पैच टेस्ट करेंगे, मोस्टली चिन एरिया पे ही होता है,
अगर किसी भी तरीके का कोई जलन वगैरह नहीं हो रहा है उसके बाद ही आपको अपने फेस पे उसको अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको इसको पूरी तरीके से स्किप कर लेना है। तो मैं पहले थोड़ा सा ही अमाउंट लूँगी क्योंकि मुझे पैच टेस्ट करना है, तो जस्ट आपको इतना सा इनफ है। एंड ये जो हमारे चिन का एरिया है वहाँ पे हम टेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो गाइस 30 सेकंड के लिए मैंने इसको अपने चिन एरिया पे छोड़ दिया है एंड मुझे किसी भी तरीके का कोई भी जलन इरिटेशन नहीं फील हो रहा है। तो अब मैं इसको पहले अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। तो अप्लाई कर लिया फेस पे, अब क्या करना है, अब स्क्रबिंग करनी है। कैसे करनी है, डाउनवर्ड सेक्शन में नहीं करना, अपवर्ड सेक्शन में नहीं करना। हमेशा जो स्क्रबिंग का प्रोसेस होता है या फिर फेस वॉश का जो प्रोसेस होता है, हमेशा डू इन सर्कुलर मोशन। इस तरीके से आपको जेंटली सर्कुलर मोशन में स्क्रबिंग करनी है, जेंटली हैंड से, नॉट हार्ड हैंड से। तो इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पे इस तरीके से राउंड राउंड करके आपको अपने फेस को एक्सफोलिएट करना है जेंटली। नोज़ पे भी हम इस तरीके से करेंगे, ना कि इस तरीके से, ठीक है। आप अगर चाहो तो नेक पे भी कर सकते हो, मैं नेक पे नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने फेस पे ही कर रही हूँ। पाँच मिनट तक आपको इस तरीके से अपने फेस पे स्क्रबिंग करनी है। याद रखना है कि रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जेंटली हैंड से ही आपको स्क्रबिंग करनी है इन सर्कुलर मोशन। अंडर आई एरिया जो होता है वहाँ पे स्क्रबिंग नहीं करनी है, क्योंकि आप सभी को पता ही होता है कि हमारे फेस पे सबसे जो पतला स्किन होता है वो हमारे अंडर आई एरिया का होता है, तो वहाँ पे हमको स्क्रबिंग नहीं करनी है। तो 5 मिनट तक स्क्रबिंग करने के बाद, 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है, उसके बाद हम इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, ठंडे पानी से रिमूव नहीं करना है। जो टावल से, गर्म पानी के टावल से जो हमने अपने फेस को क्लीन किया था, उसी टावल को सेम गर्म पानी में डाल के हम इसको अच्छे से
उसी टॉवल से क्लीन कर लेंगे। रगड़ के नहीं निकालना है, बस जेंटली हैंड से ही आपको इसको रिमूव करना है। तो टॉवल से हमने क्लीन कर लिया है, बट स्टिल हमको इसको वॉश करने की ज़रूरत है। बट अभी भी पहले हम इसको गर्म पानी से ही वॉश करेंगे। इतना ही गर्म पानी करेंगे जितना आपका फेस जो है सह सके। एक बार जब गर्म पानी से सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से क्लीन हो जाए, उसके बाद हम इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे, ताकि हमारा जो ओपन पोर्स था वो अच्छे से क्लोज हो जाए। ठंडे पानी से वॉश करने से हमारा जो ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाएगा। तो पहले हम इसको गर्म पानी से वॉश करेंगे, देन हम इसको ठंडे पानी से वॉश करेंगे। तो मैं दोनों ही पानी से अपने फेस को वॉश करके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़, मैंने मेरे फेस को गर्म एंड ठंडे दोनों पानी से वॉश कर लिया है। तुरंत नहीं करना है, ठीक है, पहले गर्म पानी से कर लेना है, उसके 1 से 2 मिनट बाद आपको ठंडे पानी से फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम एक टॉवल की हेल्प से इसको ड्राई करेंगे। ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है, हमेशा डैप टैप करके ही आपको अपने फेस को ड्राई करना है। गाइज, अब जो लास्ट स्टेप है हमारा वो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने का। एक चीज़ याद रखना है कि गर्मियों में आप वैसा ही, एक तो ऑयल फ्री हमको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, दूसरा ऐसा अप्लाई करना है जिसमें SPF हो। बट मेरे पास SPF वाला मॉइस्चराइज़र नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉन्स का सुपर लाइट जेल जो है वो यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज, अगर इस तरीके से आप अपने फेस को एक्सफोलिएट करोगे ना, जैसे मैंने आपको जिस तरीके से बताया है, ट्रस्ट में आपको विजिबल रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेगा। आपके फेस पे किसी भी तरीके का कोई हार्म आपका फेस जो है वो नहीं फेस करेगा, आपका फेस जो है वो नहीं फेस करेगा। वाओ, एनीवेज, तो आई जस्ट होप कि आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहे। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर हिट कीजिएगा, एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू सो मच, बाय बाय।